अब आगे बढ़ते हैं। कड़ाके की ठंड के बीच किसानों का आंदोलन जारी है। आज 38वां दिन है और 4 जनवरी को सरकार के साथ किसानों की बैठक एक बार फिर से होने वाली है। इस 8वें दौर की बातचीत में क्या बनेगी बात या फिर नहीं, सवाल है, बना हुआ सवाल। किसानों के आंदोलन का 38वां दिन है आज। सरकार के साथ किसानों की 4 जनवरी को बैठक है। 4 जनवरी को 8वें दौर की बातचीत होगी। 7 दौर की बातचीत हो चुकी है और इससे पहले जो 7वें दौर की बातचीत हुई इसमें 2 मांगे मान ली गई। 2 मांगों पर अभी भी चिंतन मंथन होना है। 4 तारीख को बातचीत से पहले सरकार को किसानों के स्पष्ट चेतावनी है, 4 जनवरी को हर हाल में हल नहीं निकला तो आंदोलन फिर तेज हो जाएगा। जबरदस्त ठंड पड़ रही है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन बॉर्डर पर डटे हुए किसान, आज बारिश भी हुई है लेकिन बारिश की वजह से भी हौसले पस्त नहीं हुए हैं, अपनी मांगों पर डटे हुए। और मांग पहला एक सूत्रीय है कि कानून को रद्द किया जाए, कानून को वापस लिया जाए, ये मांग कर रहे हैं। इसके साथ साथ MSP पर एक कानून बनाया जाए अलग से। और इस खबर पर हमारे संवाददाता अविनाश तो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और शक्ति भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं शक्ति आपके पास पहले आना चाहता हूं कि बारिश भी हुई है, हल्की बूंदाबांदी भी हुई है, उससे क्या कुछ असर पड़ा है, क्या संख्या कम हुई है किसानों की या नहीं, और किसानों की मांग, किसानों की अपेक्षा 4 तारीख से क्या है? ये देखिए, अगर हम किसानों के हौसलों की बात करें तो किसानों के हौसले जरा से भी पस्त नहीं है। चाहे ठंड कितनी पड़ जाए, बारिश कितनी आ जाए, किसानों का कहना है कि हम तो खेतों में रहने वाले हैं, हम महलों में रहने वाले नहीं हैं। बारिश पड़ेगी, ठंड पड़ेगी, लेकिन हम यहाँ से हटेंगे नहीं। हम ज़्यादा बात किसानों से ही करते हैं क्योंकि किसान यहाँ हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए, 4 तारीख को अब दोबारा सरकार से बातचीत होने वाली है, उसको लेकर आपको, आपके लोगों की कितनी आशाएं हैं? हमारी आशाएं तो पहले दिन से ही है और हर तरह से हमने जिले से लेकर, हमने लोगों ने जो आंदोलन शुरू किया था, हमें आने नहीं चाहते थे, तहसीलों पर करा, जिले पर करा, मंडल पर करा, और 30 तारीख पे भी पूरी आशाएं थी। लेकिन सरकार ये सोच ले, चाहे वर्षा हो, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, जब तक किसान विरोधी तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, MSP से कम खरीद को कानून में अपराध घोषित नहीं किया जाएगा या 100% उसकी खरीद सुनिश्चित नहीं की जाएगी, तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। और यही है, 4 तारीख को पूरे देश की निगाह है। अच्छा अच्छा, आप बताइए, आप काफी बुजुर्ग भी हैं, दो बातें मान ली गई हैं, दो बातों पर अभी विचार होना है, उसको लेकर आपकी कितनी आशाएं बनी? देखिएगा, लगातार किसान इसी बात पर उम्मीद पे है कि तीनों SMP पे कानून बने और ये तीन काले कानून जो ये रद्द हो और डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करे। और किसान जो इस उम्मीद से है यहाँ कि जब तक ये सरकार किसान की बात पर ध्यान नहीं देगी, किसान यहाँ से वापस नहीं जाएगा। और ये किसान की मजबूरी है, गन्ना एक्ट, गन्ना नियम में आज तक फसलों पर कोई रेट सरकार ने नहीं बढ़ाया और तमाम चिंता बढ़ी है, तमाम चीजें हैं अविनाश। लेकिन तो सवाल ये है, बिजली का बिल हाफ हो, कि जो हठधर्मिता चल रही थी किसान नेताओं के बीच, किसान अपने हट पर थे, सरकार अपने हट पे थी, वो चीजें अगर दो चीजों पर बेहतर हुई है तो क्या माना जाए कि 4 तारीख को कोई बीच का रास्ता निकल सकता है? जी जी सर, लिए प्रयासरत है और वो तमाम संशोधन करने के लिए तैयार है जो किसान नेता चाहते हैं। लेकिन कल एक शाम की बात करें तो कल शाम को सिंघू बॉर्डर पे कुछ किसान नेताओं ने फिर से प्रेस वार्ता की और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक उनकी मांग को पूरा नहीं माना जाएगा और यही उनकी मुख्य मांग है, और जब तक तीनों कानून वापस नहीं होगा तब तक वो यहाँ से जाने वाले नहीं है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कानून तो वापस नहीं होगा लेकिन संशोधन जो भी चाहते हैं किसान नेता वो सरकार करने के लिए तैयार है। लेकिन किसान नेता भी अपनी हर धर्मिता पर अड़े हैं कि अगर वो जाएंगे यहाँ से तो तीनों कृषि कानून को वापस करवा कर ही जाएंगे और यही सरकार के लिए चिंता का सबब है। सरकार लगातार इस पर मंथन कर रही है कि कैसे किसान नेताओं को बनाया जाए। अगर आज की बात करें तो आज एक बार फिर से केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक हो सकती है और ये मंथन किया जा सकता है कि किस तरीके से जब 4 तारीख को बातचीत हो तो किसान नेताओं को मनाया जाए। किसान नेता जितने भी हैं वो इसी बात पर अड़ी गए कि तीनों कृषि कानून, यानी कि किसान संशोधन के लिए तैयार नहीं है, कानून वापस लेना चाहते हैं, और सरकार क्लियर है कि हम संशोधन के लिए तैयार है लेकिन कानून वापस नहीं लेंगे। आपका अविनाश और शक्ति, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। गाजियाबाद से खबर, किसान आंदोलन के बीच में मौज मस्ती की जा रही है, सर्द मौसम में टीवी देखी जा रही है और टीवी पर भगत सिंह की फिल्म ये किसान देख रहे हैं। नेशनल हाईवे 9 पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, मार्ग को पूरी तरह से बाधित किया हुआ है, तो ऐसे में वहां पर किसानों का मनोरंजन कैसे हो रहा है, कैसे अपना वक्त वहां पर बिता रहे हैं वो देखिए कि भगत सिंह की फिल्म चली हुई है। नीचे आप खालसा लिखा हुआ देख सकते हैं और सभी किसान फिल्म देख रहे हैं और कुछ इस तरह से उनका वक्त बीत रहा है। एक तरफ जबरदस्त कड़ाके की ठंड है और ठंड के बीच में कुछ ये तस्वीरें, हालांकि सिंघू बॉर्डर की बात करें तो वहाँ पर मसाज की व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था है, अच्छे रजाएं हैं, खाने के लिए बड़े सी मशीनें आई हैं, तमाम दूसरे इंतजाम, हर फैसिलिटी जो शायद घरों में होती है वो सब है वहाँ पर। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच एक अलग रंग भी किसान आंदोलन में देखने को मिल रहा है।